हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? और आपका स्वागत है द हिंदू इन स्कूल न्यूज़पेपर में और आपके अपनी चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर में। और आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और चलते हैं, हम आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। आज डेट है हमारी ट्यूसडे अप्रैल 27, 2021। और आज हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ देखने जा रहे हैं यहाँ पे। Have you got a glimpse of the April shower yet? तो glimpse मतलब होता है खुशी के पल, या फिर कह सकते हैं आप उत्सव टाइप। तो क्या आपने आकाश में किसी उत्सव को देखा है? तो ये यहाँ पे बात होने जा रही है meteors की, जो हिंदी में जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं। और ये आर्टिकल हमें ये बताना चाहता है यहाँ पे कि इस तरह की जो स्काई शॉवर जिसे कहते हैं, ये हर साल एक ही समय पे प्रतिवर्ष आती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज है। चलिए हम इसे यहाँ पे जूम कर देते हैं और देखते हैं। स्काई वॉचर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट अ व्यू ऑफ लार्ज मेटियोर शावर एवरी अप्रैल। तो यहाँ पे एक लॉयड मेटियोर शावर एवरी अप्रैल, यानी लॉयड का मेटियोर जो कि धूमकेतु जिसे कहते हैं हिंदी में, सॉरी उल्कापिंड जिसे कहते हैं। तो ये जो है उल्कापिंड और धूमकेतु में बहुत अंतर होता है। तो ये जो उल्का है इसका नाम लॉयड है और इसकी हर साल अप्रैल में देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। स्काई वॉचर्स जो स्काई को हमेशा वॉच करते रहते हैं किसी भी एक्टिविटी को, उन्हें हमेशा अप्रैल में एक मूवमेंट दिखाई देती है स्काई में, जो कि मेटियोर की वर्षा है। ठीक है, और ये हमेशा एक ही वर्ष पे यानी अप्रैल में हमेशा दिखाई देती है। एंड स्काई बिटवीन अप्रैल 16 से 26 अप्रैल के बीच में। बट स्काई वॉचर्स हैव अ चांस टू सी देम टिल द एंड ऑफ द मंथ वेदर परमिटिंग। और इनके पास यही एक महीना होता है, मई के आखिरी तक चांस होता है इसे देखने का, वो भी तब तक जब उन्हें वेदर ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराए। अगर वेदर ही नहीं क्लीन है तो वो इस स्काई शॉवर को नहीं देख सकते हैं। द शूटिंग स्टार्स आर नेम्ड आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ लायरा द हार्प। द लॉयड मेटियोर आर पीसेस ऑफ ड्राइविंग फॉलिंग फ्रॉम द ट्रैकर कॉमेट विच इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द इनर सोलर सिस्टम इन 2276 आफ्टर एन ऑर्बिट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो ये एक लाइट मेटियोर्स है जो कि शायद अपने सोलर सिस्टम में वापस जा रहा है 415 सालों बाद। तो इसलिए ये स्काई शावर हमेशा दिखती है। और व्हाट आर मेटियोर्स, तो मेटियोर्स क्या होते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। तो मेटियोर्स को उल्का पिंड भी कहते हैं, यानी जब एक क्षुद्र धूम केतु एक दूसरे से टकराते हैं तो वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और जब ये टूट जाते हैं तब इन्हें मेटियोर्स कहा जाता है। ठीक है, और उससे पहले उल्का पिंड यानी एस्ट्रॉइड इन्हें कहते हैं, कॉमेट कहते हैं, एस्ट्रॉइड या फिर कॉमेट कहते हैं धूमकेतु को। और जब ये टूट जाते हैं तब ये मेटियोर्स कहलाते हैं। और जब कोई उल्का पिंड तेज गति से पृथ्वी के जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इनकी गति इतनी तेज होती है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल और इनके बीच इतनी ज्यादा घर्षण होती है, यानी फ्रैक्शन इतना तेज होता है कि ये जलने लग जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि कोई तारा चमक रहा है, या कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमने टूटता तारा देखा है, तो वो टूटता तारा नहीं होता है, वो कोई मेटियोर होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय शूटिंग स्टार दिखता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एंड द मेटियोर्स वेपर्स एंड टर्न्स इनटू अ मेटियोर। मेट्राइट के जो वेपर्स होते हैं, डस्ट होती है, ये मेटियोर्स में चेंज होती है। एंड आइस डिस्पाइट बीइंग कॉल्ड शूटिंग स्टार दे आर नॉट स्टार्स। तो वो टूटता तारा नहीं होता है, ये इन्हीं के डस्ट, इन्हीं के टुकड़े होते हैं जो अर्थ के जब इन्वायरमेंट में प्रवेश करते हैं तो फ्रैक्शन से जलने लग जाते हैं, उसे हम कहते हैं हमने टूटता तारा देखा है। और कोई विश मांग लो, अक्सर जो बॉलीवुड की पिक्चरें होती हैं उनमें ये बेवकूफी दिखाते हैं, पर इसका साइंटिफिक रीजन अलग है। व्हाट कॉज अ मेटियोर शावर, पर इस मेटियोर शावर की कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जैसा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो
एक जो धूमकेतु है इसके द्वारा ये मलबे होते हैं, बहुत सारे टुकड़े होते हैं, डस्ट होती है और बहुत विशाल पत्थर होते हैं, बड़े बड़े, बहुत छोटे छोटे, जो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और इसकी कक्षाएं पार कर जाते हैं और अपनी कक्षा पार करके ये पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, यानी हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और तब जब ये टुकड़े बहुत सारे होते हैं तो इन्हें एक शावर का नाम दे दिया जाता है। इसी को ही कहते हैं कि स्काई शावर हो रही है। और उल्का पिंड आमतौर पर कॉफी के आकार के हमारे वातावरण में प्रवेश करते हैं, और जो कि कभी कभी बहुत बड़े होते हैं या फिर बहुत छोटे भी होते हैं। एंड द पार्टिकल मेटियोर्स बर्न अप टू ड्यू गैस इन टू एटमोसफेयर, लीविंग अ ब्राइट स्ट्राइक ऑफ लाइट इन द स्काई। और इनमें जो गैस होती है वो जलती है और इससे एक स्ट्राइक लाइट पैदा होती है और बहुत चमक उठती है। तो ये हम कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि कैसे, ये देखिए जैसे यहाँ पे ना टूटता तारा सा महसूस होता है, तो ये पत्थर के टुकड़े हैं और गैस के बने होते हैं, बहुत सारी चीजों के बने होते हैं और ये जलने लग जाते हैं। एंड वाई डू मेट्योर शावर ऑकर एट अबाउट द सेम टाइम एवरी ईयर। ये बहुत ही अच्छा मतलब पॉइंट दे रखा है यहाँ पे कि पर ये हमेशा एक ही साल पे, एक ही महीने में अक्सर ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, सिंस द अर्थ ऑर्बिट द सन वंस अ ईयर, यानी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में एक साल मतलब लेती है अपने। एट एनी पॉइंट टू टाइम ड्यूरिंग द ईयर द अर्थ इज एट प्रेडिक्टेबल स्पॉट इन दिस इट्स ऑर्बिट, एंड मेट्योर शावर अकर्स ओनली वेन द अर्थ ऑर्बिट इंटरेस्ट डेट ऑफ अ स्पेसिफिक कॉमेट, एंड दीज इंटरेक्शन ऑकर एट फिक्स्ड इंटरवल। तो जब कभी हम उस कॉमेट के आगे से हमारी अर्थ गुजरती है उसी समय इनकी शावर हो रही होती है, तो इसलिए ये हमें हमेशा एक ही समय पे, एक ही महीने में दिखाई देते हैं, क्योंकि अर्थ जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है उसका टाइम फिक्स है। वॉट इज द डिफरेंस, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मेट्रॉइड, मैट्रियोर, मैटेरियोट, तो ये बहुत सारे फिनोमिना हैं और इनमें क्या अंतर होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। एस्ट्रॉइड होते हैं, एस्ट्रॉइड्स आर स्पेस रॉक्स एंड ऑर्बिट द सन। तो एस्ट्रॉइड जो होते हैं ये स्पेस के रॉक होते हैं और ये टू स्मॉल टू बी कॉल्ड प्लैनेट, और ये इतने छोटे होते हैं कि कभी कभी इन्हें प्लैनेट भी कह सकते हैं, और हैंस दे आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, इन्हें माइनर प्लैनेट भी कहते हैं। कॉमेट क्या होता है, अ कॉमेट इज आर रिलेटिवली स्मॉल बॉडी डेट ऑर्बिट्स द सन, इट कंटेन्स आइस एंड गैस। एज द कॉमेट्स ऑर्बिट टेक अ टूवर्ड द सन द आइस एंड डस्ट बिगिन टू वेपराइज एंड डिस्प्लेइंग अ फुजी आउटलाइन कॉल्ड द टेल। इसीलिए कॉमेट की टेल दिखती है क्योंकि ये ग्रहों के बीच में चक्कर काटते हैं उनके साथ में, तो वेपर और डस्ट के बने होते हैं, तो जब वेपर जो है उड़ती है सूर्य के चक्कर लगाते समय सन की गर्मी से, तो ये एक टेल की तरह का स्ट्रक्चर शो करती है, इसलिए कहते हैं कि कॉमेट की पूंछ सी होती है। और मेट्रोइड, वन एन एस्ट्रॉइड कोलाइड्स विद एन अदर इट ब्रेक इंटू स्मॉल पीसेस एंड कॉल्ड मेट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड जब ये एस्ट्रॉइड जब टूटते हैं आपस में या किसी और चीज से लड़ने से, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तो उन्हें मेट्रॉइड कहते हैं। एंड मेटीरियट क्या होता है, इफ मेट्रॉइड्स इंटर एट एटमोसफेयर एंड फॉल टू द सर्फेस टू अर्थ विदाउट वेपराइजिंग इट्स कॉल्ड मेटीरियट। ओके, जब ये मेट्रॉइड या उल्का हमारी पृथ्वी पे आते हैं तो कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि आते हैं और फ्रैक्शन से जल के मतलब आकाश में ही खत्म हो जाते हैं, उनका कोई टुकड़ा पृथ्वी के धरातल तक पहुंच ही नहीं पाता है, पर कुछ इतने बड़े होते हैं कि जलने के बावजूद भी खत्म होते होते लास्ट में वो छोटे मोटे टुकड़े के रूप में बच जाते हैं और अर्थ पे गिर जाते हैं, और तब उन्हें हम कहते हैं मेट्रोराइट। तो इस तरह के बहुत सारे टुकड़े जो है पृथ्वी पे, इनकी मतलब साक्ष्य मिले हैं कि ये गिरते हैं। और देन यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, इसके बाद हम चलते हैं अपने जीके पे, क्यूबिट्स एंड देयर व्यू ऑफ लाइफ। ये जो यहाँ पे आप एक ड्राइंग देख रहे हैं ये क्यूबिट्स
टाइप की ड्राइंग है, मतलब इसे मॉडर्न आर्ट भी कहते हैं। एंड क्यूबिज्म वॉज द फर्स्ट मूवमेंट टू प्रेजेंट आर्ट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट। तो ये जो पहली आर्ट इस तरह की डेवलप हुई जिसे मल्टीपल व्यू पॉइंट से बनाया जा सकता है। और ये जियोमेट्रिक शेप से बनती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है कि इस आर्ट के बारे में, आप बस थोड़ी सी नॉलेज यहां से ले लीजिए कि ये आपके लिए कुछ नई ना रह जाए। और ये है फर्स्ट पेज की स्पोर्ट्स न्यूज। और अब हम आ गए अपने 30 मिनट एक्टिविटी पे। और यहाँ की पहली क्विज है स्पेस ओडिसी, और यहाँ पे स्पेस से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं और इनके आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको आप अपने आप से सॉल्व करिएगा। और मोस्टली ये न्यूज़पेपर्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आगे हैं हम द हिंदू इन स्कूल के वर्ड ऑफ द डे। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है हमारा इमोजी। इमोजी क्या होते हैं? द वर्ड इज अ नाउन दैट रिफर टू एनी ऑफ द स्मॉल इमेज सिंबल आइकन यूज इन टेक्स्ट मैसेज ईमेल एंड सोशल मीडिया टू एक्सप्रेस द इमोशनल एटीट्यूड ऑफ द राइटर कन्वे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट मैसेज प्लेफुली विदाउट यूजिंग वर्ड्स एटसेट्रा। तो इमोजीज तो आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे नाउन से मतलब है यहाँ पे जो किसी स्मॉल इमेज सिंबल या आइकॉन को यूज करके टेक्स्ट मैसेज ईमेल या सोशल मीडिया पे लिखा जाता है और जिससे राइटर अपनी इमोशंस या एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है बिना किसी टेक्स्ट को यूज किए हुए, और कम्युनिकेट करता है मैसेज या मैसेज करके या फिर प्ले करता है, मतलब कुछ भी जो आप समझ सकते हैं। बहुत लोग कभी कभी सिर्फ इमोजी से ही अपने एक्सप्रेशन शेयर करना पसंद करते हैं। एंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, डिड यू नो डैट द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2015 वॉज एक्चुअली नॉट अ वर्ड बट द फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय इमोजी। और उसके बाद आ गए यहाँ पे, ये नंबर गेम है। और अब हम आ गए अपने फन फैक्ट पे। और यहाँ का पहला टॉपिक है विस्लिंग विलेज। विस्लिंग माने सीटी बजाना होता है, तो सीटी वाला विलेज है। और ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्य मेघालय का एक गांव, पूर्वोत्तर राज्य से मतलब है नॉर्थ ईस्ट का एक गांव है कोंगथोंग में, एक असामान्य प्रथा है। यहाँ हर व्यक्ति के दो नाम हैं, एक शब्द में और दूसरा सीटी की धुन में। ऐसा कहा जाता है कि जब वो पैदा होता है तो खासी जनजाति में प्रत्येक बच्चे को माँ द्वारा एक अनोखी धुन सौंपी जाती है और बच्चे उन धुनों को सीटी के रूप में बजाते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं जिससे वो उनकी पहचान बन जाती है। तो यहाँ पे और क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस ऑफ कॉलिंग ईच अदर बाय ट्यून्स कॉल्ड। तो ट्यून्स द्वारा एक दूसरे को बुलाने की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, गूगल करके ढूंढिएगा। एंड द यूनिक वर्ड, द बुक कीपर पर अंग्रेजी भाषा का एकमात्र शब्द है जिसमें तीन लगातार दोहरे अक्षर हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बी फिर डबल ओ फिर डबल के फिर डबल ई फिर कुछ भी नहीं। तो ये एकमात्र शब्द है
जो किसी कंपनी में वित्तीय लेन देन का हिसाब रखता है, यानी बुककीपर का मतलब है जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंट की देख रेख रखे। और क्वेश्चन है यहाँ पे, नाउ कैन यू फाइंड आउट द ओनली वर्ड इन इंग्लिश डेट इज प्रोनाउंस्ड द सेम वे व्हेन द लास्ट फोर लेटर्स आर रिमूव फ्रॉम इट। तो क्या होगा बताइएगा। और आज का वॉर ऑफ द वर्ड है, शुड द आईपीएल कंटिन्यू ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19। तो ये बताइए। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज आ जाती है इस पेपर में, दिस और डैट, यानी कि दो शब्द दिए रहते हैं और दोनों की प्रोनंसिएशन सेम होती है पर दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है क्योंकि दोनों की स्पेलिंग्स अलग हैं। तो यहाँ पे कौन सा परफेक्ट वर्ड होगा आपको ये बताना है। यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं और आप पता लगाइए कि इसमें से कौन सा परफेक्ट वर्ड होगा जो यहाँ यूज होगा। बाकी मैं ये सारी क्विज अपने ब्लॉग पे भी इनके लिंक शेयर करती हूँ और मेरा ब्लॉग का एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। आप यहाँ पे जाके इस पूरे न्यूज़पेपर के हर लिंक पे जाके क्लिक करके पूरा न्यूज़पेपर खुद से पढ़ सकते हैं अगर आपको वीडियो से पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो। और आप मेरे ब्लॉग को फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे मैं कोई भी पोस्ट डालूंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अब हम आ गए 10 मिनट चैलेंज पे, जहाँ पे 1 मिनट क्विक सम है यहाँ पे, जैसे हमें करना है, इफ यू कंसीडर ईच डिजिट अपेयरिंग इन द इमेज एज सेपरेट नंबर व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर सीन इन दिस इमेज। तो आपको यहाँ पे कितने नंबर्स दिख रहे हैं इस इमेज में। और अब है यहाँ पे 2 मिनट वर्ड सर्च, दिस इजी सर्च ऑन इंटरनेट कंप्यूटर्स स्पॉट 6 वर्ड रिलेटिंग टू देम। आपको इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़े हुए 6 शब्द ढूंढने हैं, वो भी इस ग्रिड में से। तो ढूंढिए, ये तो आज की क्विज तो बहुत ही ज्यादा आसान है, सारे ही बच्चे कर लेंगे लगभग इसे। और इसके बाद हम आते हैं अपनी 3 मिनट फंड रीड में। आज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 3 मिनट फंड रीड में बताते हैं, चाहते हैं ये कीबोर्ड के बारे में। टुडे इट इज सो कॉमन फॉर अस सीइंग कीबोर्ड्स अलोंग विद अ कंप्यूटर। तो हाँ, इस समय हम कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड जुड़ा होता है उससे तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। बट डिड यू नो डैट द टाइपराइटर इज अ प्रीसेडर ऑफ कीबोर्ड। पर आपको क्या पता है कि इस की एक टाइपराइटर कीबोर्ड का मतलब पूर्वज था। द टाइपराइटर इज अ मशीन वेयर द कैरेक्टर आज क्रिएटेड बाय मेटल टाइप्स स्ट्राइकिंग द पेपर थ्रू एन इंक्ड रिबन। हाँ, अगर किसी ने टाइपराइटर नहीं देखा है तो वो गूगल करके आज देखना यूट्यूब पे कि टाइपराइटर किस तरह से काम करता था। उसमें एक इंक में डूबी हुई एक कपड़े की स्ट्रिप होती थी और उस पे ये मेटल के वर्ड्स जब हम फिंगर से स्ट्राइक करते थे तो वो वर्ड उस कपड़े की इंक से पीछे जाके पेपर पे छप जाते थे। और मतलब ये बिल्कुल अलग ही नजरिया है टाइप करने का। द पेपर इज हेल्ड बाय अ पैटर्न दैट मूव्स ऑटोमेटिकली अलोंग विद अ कैरियर व्हेन अ की इज स्ट्रक। और पेपर अपने आप से ही खुद से आगे बढ़ता जाता था, मतलब आप इसको एक बार YouTube पे सर्च करिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, एंड दे वर डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स डेट ट्राइड टू राइट फास्टर देन द ह्यूमन हैंड कुड। और इस तरह बहुत सारी मशीनें बनाई गई जिनसे कि बहुत जल्दी जल्दी लिखा जा सके, टाइप किया जा सके। और पर 19th century से पहले टाइपराइटर एज वी नो इट अमर्स्ड अमेरिकन इन्वेंटर क्रिस्टोफर लैंथम शो। इन्होंने टाइपराइटर को इन्वेंट किया था, क्रिस्टोफर लैंथम शो इन्वेंट द टाइपराइटर इन 1867 में। और एक्टिविटी कॉर्नर है यहाँ पे, विच आर द फर्स्ट 6 लेटर अलोंग द टॉप ऑफ अ कीबोर्ड। तो ये सबको पता होगा कि टॉप ऑफ कीबोर्ड में पहले के 6 लेटर्स कौन से होते हैं। एंड विच कंपनी वॉज द फर्स्ट मैन्युफैक्चर टाइपराइटर। तो पहला टाइपराइटर किस कंपनी ने बनाया था, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरूर ढूंढिएगा। और जस्ट अ मिनट जूम इन में इस सवाल का जवाब दीजिए।
और अब हम आ गए अपने अनस्क्रैम्बल इन अ मिनट में। और जब हम इन अल्फाबेट्स को अरेंज करके लगाते हैं तो हमारी स्पेलिंग बनती है INVENTION, इन्वेंशन। मीनिंग है अ यूनिक और नोवल डिवाइस, मेथड, कंपोजिशन और प्रोसेस। और अब हम पहुंच गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे इस पूरे न्यूज़पेपर के, जो इस न्यूज़पेपर की आत्मा भी है। और आजकल हर एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन जरूर पूछा जाता है, इवन क्लास फोर्थ से कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो जाता है कि रीड करें और बच्चे उसे पढ़ के उनकी आदत डालें क्वेश्चन आंसर करने की। तो आप यहाँ पे, और ये बहुत ही इजी कॉम्प्रिहेंशन है, और मैं ज्यादातर वर्ड मीनिंग्स दे देती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, तो इसको जरूर सॉल्व करिए। और अगर आपको यहाँ पे वीडियो में पढ़ने में कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे ब्लॉग पे जाइए, वहां पे कॉम्प्रिहेंशन का लिंक है और ब्लॉग का एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। वहां पे आप हर क्लिक को करके सीधे मेरे न्यूज़पेपर पे आराम से पहुंच सकते हैं और डाउनलोड करके इजिली पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम अगले पेज पे। और आज हमारा यहाँ पे है कि हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट, यानी एनिमल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो इस आर्टिकल को पूरा आपको खुद से पढ़ना होगा, तभी मजा आने वाली है। तो उनका है मूवमेंट करते हैं वो, टच है, केमिकल मार्किंग है, कलर है, और फिर इस पूरे आर्टिकल से जुड़े हुए कुछ क्विज भी यहाँ पे दिए हैं बहुत ही अच्छे से। सॉरी, मैं एक लाइन से जूम करते हुए चलती हूँ और आप इसको इजीली पढ़ते जाना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे द बिग क्वेश्चन, आर ऑल बैक्टीरिया बैड? क्या सारे बैक्टीरिया बैड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारी बॉडी को गुड बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है वो बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलके करते हैं, और अगर हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है डाइजेशन सिस्टम को। और इसके लिए हम बहुत सारे चीजें लेते हैं, जैसे आपको पता होगा याकुल्ट आती है, कई मेडिसिंस आती हैं जो कि गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव होने में हेल्प करती हैं। तो इसलिए सारे बैक्टीरियाज बैड नहीं होते हैं, पर कुछ बैड होते हैं और जिन्हें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम खत्म करने में पूरी मदद करती है। और बच्चों अब हम आ गए हैं विकिपीडिया डेली सर्च पे, और हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है टोक्यो 2020 ओलंपिक। टोक्यो 2020 ओलंपिक के बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो टोक्यो 2020 ओलंपिक, जिसे समर ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है, जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होने वाला है। और ये एक बहुत सारे खेलों का आयोजन है, और ये 32वां ओलंपिक होता अगर ये 20 में हो जाता तो, पर ये 21 में होना है। अब देखते हैं 21 में भी कैसे हो पाता है कैसे नहीं। और यहाँ पे है कि ये मूल रूप से जुलाई अगस्त में 2020 में होने वाला था, पर कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया। और अब यह आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में 2021 में आयोजित होने की उम्मीद तो है, पर 2020 के बाद देखते हैं कि ये कैसे होता है। और ये भी यहाँ पे बताया गया है कि जापान ने जो समर ओलंपिक की मेजबानी की है,
इससे पहले दो बार और कर चुका है और एशिया का पहला शहर बन जाएगा। एंड 2020 का खेल पूर्वी एशिया में आयोजित होने वाले तीन लगातार ओलंपिक में दूसरा भी होगा। पहला ओलंपिक मतलब एशिया में हुआ था 2018 में प्योंगचांग काउंटी में, फिर दक्षिण कोरिया में, और दूसरा हुआ 2022 में बीजिंग में चीन में होगा। और इस आयोजन के बाद सम्राट नारुहितो शायद इसका आयोजन करेंगे, मतलब इसको इसका इनॉग्रेशन करेंगे एम्परर नारुहितो। तो एम्परर नारुहितो के बारे में देख लेते हैं। हिरोनोमिया नारुहितो जापान के सम्राट हैं और इनका जन्म 23 फरवरी 1960 को जापान के टोक्यो में हुआ था और वे 1 मई 2019 को क्रिसेंट होम के सिंहासन पर चढ़े थे और अपने पिता आकिहितो के त्याग के बाद ऐसा हुआ था, मतलब आकिहितो ने जीते जी इन्हें अपना सिंहासन सौंपा था। और नारुहितो जापान के 126वें सम्राट हैं और उन्होंने गाशुगिन विश्वविद्यालय में भाग भी लिया जो 1982 के इतिहास में, वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है। और साथ ही 1988 में गाकुशिन में जापानी इतिहास में एक डॉक्टरेट का कार्यक्रम भी इन्होंने पूरा किया और 2008 में उन्हें स्पेन द्वारा नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ चार्ल्स III द्वारा सम्मानित भी किया गया है। और हमारा लास्ट वर्ड है स्पेन, तो हम चलिए स्पेन को देख लेते हैं। स्पेन दक्षिणी यूरोप का एक देश है। यह दक्षिण और पूर्व में भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में पिरेनीज फ्रांस अंडोरा और की खाड़ी है और इसकी नेचुरल बाउंड्रीज बनाते हैं, और पुर्तगाल और अटलांटिक महासागर की सीमा पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में है। और इसके क्षेत्र में मेडिटेरियन सी में बैलरिक द्वीप समूह हैं, अफ्रीका तट से दूर कैनरी द्वीप समूह हैं और सेउटा मेलिलिया मोरक्को की सीमाएं भी शामिल हैं। और स्पेन में समृद्ध जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। स्पेन के आसपास के पानी में कछुओं की कम से कम 5 प्रजातियां पाई जाती हैं और जिनमें लेदर बैक समुद्री कछुआ भी शामिल है। हम लोगों ने कल लेदर बैक टर्टल के बारे में पढ़ा था ना, जो सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े टर्टल होते हैं, ये है लेदर बैक टर्टल। हमने कल पढ़ा था कि ये 7 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन करीब 900 किलोग्राम तक हो सकता है। ये वही लेदर बैक टर्टल है। और लेदर बैक समुद्री कछुआ सबसे बड़े समुद्री कछुओं की प्रजाति है और इनका नाम इसके खोल के नाम पे रखा गया है जो बनावट में कठोर होने के बजाय चमड़े जैसा होता है। और ये अन्य समुद्री कछुओं के विपरीत एक खोल नहीं है, इसके बजाय इसकी त्वचा बहुत ही मुलायम मांस और ऑयली टाइप के मांस से ढकी होती है। और लेदर बैक समुद्री कछुए भी कछुओं की सबसे अधिक प्रजातियों में प्रवासी प्रजातियों में शामिल है, यानी कि ये बहुत दूर दूर तक माइग्रेट करते हैं और वे अटलांटिक और पैसिफिक महासागर दोनों को पार करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये स्पेन से अटलांटिक और पैसिफिक इन सब को पार करते हुए और भी दूसरे देशों तक भी चले जाते हैं। और पिछली कुछ सदियों में इनके अवैध व्यापार के कारण इनकी संख्या में गिरावट आई है और इस प्रजाति को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में कमजोर के रूप में सूचित किया गया है, यानी इनडेंजर्ड के लिस्ट में शामिल किया गया है। और इसके बाद है फेस टू फेस, कैन यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन। द टॉप सीडेड टेनिस प्लेयर वॉन द स्ट्रगार्ड फाइनल इन 3 sets ऑन संडे। तो क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, आज मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। और ये है आज की सुडोकू जिसका डिफिकल्ट लेवल है 5 स्टार। और इसके बाद आ गए हैं हम अपनी लास्ट पेज पे जो कि स्पोर्ट्स न्यूज होती है। बच्चों आप घर में बिल्कुल सुरक्षित रहिए, डरिए नहीं, कोविड इस तरह से जानलेवा नहीं बन रहा है, बस जो लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए जानलेवा है। अगर आपको किसी भी तरह का सर्दी जुकाम बुखार है तो तुरंत अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए और आइसोलेट हो जाइए और
किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करिए, जो भी मम्मी पापा कहते हैं बस उसे करिए, और अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से अपना ज्ञान बढ़ाइए। और नहीं पढ़ने का मन करता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खूब खेलिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने दादा दादी के पास बैठिए, कहानियाँ सुनिए, जो मन आता है वो करिए, बस टेंशन नहीं लीजिए और अच्छे से रहिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और ब्लॉग का एड्रेस मैं आपको बीच में बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। ब्लॉग का एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। तो इस पे आ जाके आप हर एक लिंक को क्लिक करके वहाँ पे पूरी न्यूज़ आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलती हूँ मैं, कल आऊँगी फिर से न्यूज़पेपर को लेके। जब तक अपने आप को अच्छे से रखिए। बाय, टेक केयर।